बंद कर दो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा नया टॉपिक है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसमें ओवरहीट होने की प्रॉब्लम है, जिसका गैस्केट जा चुका है। ठीक है, तो आज इसका हम पूरा हेड वगैरह खोलेंगे, इसका गैस्केट चेंज करेंगे और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई वो भी देखेंगे, और ये किस वजह से आई है इसको भी हम सर्च करेंगे। ठीक है, तो फॉर्च्यूनर को कैसे खोलते हैं हेड को, और कैसे फिट करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है गैस्केट जाने से, और गैस्केट किस वजह से जाता है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो खोलते हैं आज हमारी गाड़ी फॉर्च्यूनर। ठीक है, जल्दी करी उन्होंने उठाना। तो दोस्तों, हेड खुल चुका है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पर, ये कंडीशन है हेड की, एक और दो, इस जगह से हमारा गैस्केट चला गया। ठीक है, यहाँ से हमारा जो इंजन का कंप्रेशर है वो वाटर लाइन में मिक्स हो रहा था। ठीक है, उसकी वजह से जो हमारी कूलेंट बॉटल में जो बबल्स आ रहे थे वो इस वजह से आ रहे थे, क्योंकि हमारा जो कंप्रेशर है गैस्केट ख़राब होने की वजह से यहाँ पर लीक हो रहा था। ठीक है, और अब गैस्केट को भी देखेंगे हम। ये है हमारा गैस्केट, ये वाह, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये गर्म होने की वजह से गैस्केट पूरा यहाँ पर जल चुका है। ठीक है, और ये है हमारा हेड, पलटाओ इसको। ये पूरा हेड है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा कार्बन है इसमें। अब इस हेड को हमें एक बार रिफेस कराना पड़ेगा, अगर फेस नहीं कराएंगे तो ये, क्योंकि यहाँ से ये डाउन हो चुका है, फेस नहीं कराएंगे तो हमारा गैस्केट डालने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसको थोड़ा साफ़ करो। कपड़ा मार, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये पानी की वजह से ये पूरी जो शीट है हमारे हेड की, ये डैमेज हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। ठीक है, तो इसको फेस कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइन भी यहाँ पर हाथ में आ रही है, गैस्केट हमारा गर्म होके हेड में गड़ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, हेड की बगैर हेड फेस कराए हम गैस्केट नहीं डालेंगे। ठीक है, हो गया। तो हेड पूरा खुल चुका है, हम देख सकते हैं यहाँ पर, और हमारे जो हेड गैस्केट गया था वो एक नंबर और दो नंबर जगह पर से गया था। ठीक है, इस जगह पर देख सकते हैं आप, यहाँ से हमारा गैस्केट जल गया था, और जिसकी वजह से पिस्टन पे पानी उतरा, और पानी उतरने से आप ये देख सकते हैं स्लू की कंडीशन, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है कंडीशन इसकी। अब अगर इस कंडीशन में हम खाली हेड को कंप्लीट करके लगाते हैं तो
बैक कंप्रेसर की गाड़ी में प्रॉब्लम रहेगी, गाड़ी ऑयल खाएगी, इंजन में बैक कंप्रेसर रहेगा, ठीक है। तो दो नंबर स्लू देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज है। और इसका एक नंबर स्लू भी सीज हो चुका है, उसको भी हम देखते हैं। एक नंबर स्लू भी बहुत ज़्यादा सीज हो चुका है, ठीक है, चारों साइड से। और इसका बोर भी कटा हुआ है, तो पर्टिकुलर पूरा इंजन ही हमको डाउन करना पड़ेगा इसका, और इंजन का पूरा काम करेंगे, ठीक है। तो इंजन उतारते हैं इसका, तो पूरा काम करते हैं इसका, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा फॉर्च्यूनर का इंजन का पूरा सामान, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हालत इसकी ख़राब हो रही है, ठीक है। तो सफाई चल रही है इंजन की पूरी, अभी यहाँ पर ये साफ़ करा हुआ सामान। और गाड़ी में जो बैक कंप्रेसर की प्रॉब्लम थी, उस वजह से देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा कार्बन जमा हुआ है, ये हालत थी इसकी, ठीक है। ये पूरे मैनिफोल्ड में अंदर कार्बन ही कार्बन जमा हुआ है। और ये हमारा स्विरल बटरफ्लाई जो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन इस पर भी जमा हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद पूरा इंजन फिट करेंगे। दोस्तों सामान पूरा हमारा साफ सफाई हो चुकी है, सब सामान धुल गया है, देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है। और ये जो हमारा स्विरल बटरफ्लाई थी, ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदी थी, इसको भी हमने क्लीन कर दी है। इससे पहले बहुत ज़्यादा कार्बन जमा हुआ था, अब जो है ये बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब इंजन को फिटिंग करते हैं, और फिटिंग करके आगे की इसकी देखते हैं क्या आ गया, रिपोर्ट आती है इसमें, ठीक। तो दोस्तों इंजन आ गया है हमारा लेते से कंप्लीट होके, वो देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लॉक क्रैंक सब कंप्लीट रखा हुआ है। और ये हमारा पूरा सामान धुल के साफ सफाई करके यहाँ पर तैयार रखा हुआ है फिटिंग के लिए। और ये है हमारा हेड गैस्केट टोयोटा का, और ये टोयोटा का रिंग सेट, और ये है हमारे टोयोटा के पिस्टन। तो पूरा सामान हमने जेन्युइन सामान लिया है कंप्लीट, ये पूरा पिस्टन सेट नया है, इधर दिखाओ यहाँ पर, इधर लिया यहाँ पे, ये दिखाओ, ये पूरा सेट, ये पिस्टन रिंग, ये हेड गैस्केट, और बाकी सामान अभी हमारा आ रहा है, ऑर्डर में है, ठीक है। जब तक हम इसकी फिटिंग लगाएंगे तब तक वो दूसरा सामान भी हमारा रेडी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये हमारा हेड रखा हुआ कंप्लीट होके,
और हेड को हमने फेस भी करवा दिया है, ब्लैक भी फेस हो चुका है इसका, फेस आउट था दोनों का, हेड का भी और ब्लैक का भी। इसमें वॉल वगैरह भी सब नए डल गए हैं, लगभग हमारा पूरा जनरल काम नया हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्रैंक फिटिंग करेंगे, और क्रैंक फिटिंग करने से पहले हमें लगाना है इसके ऑयल ब्रेशर जेड, और ये है हमारे ऑयल ब्रेशर जेड। ठीक है, ये दूसरे ऑयल जेड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसको हम फिट करेंगे। उसको हमने धो के साफ़ कर दिया अच्छा बढ़िया, उसको चेक भी कर लिया है, बिल्कुल क्लीन है। ये हमेशा फूक मार के इसमें हवा मार के देख सकते हैं हम, ये क्लीन होना चाहिए लाइन। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया है पहले ही। अब इसको हम फिटिंग करते हैं और उसके बाद फिर क्रैंक फिटिंग करेंगे। और ये है इसका बेंजो बोल्ट, यहाँ पर वॉल होता है प्रेशर वॉल, इसको भी फिटिंग करने से पहले एक बार चेक कर लें, कई बार ये ख़राब हो जाता है, अगर ख़राब हो तो उसको हम नया डालेंगे। ठीक है, बस ठीक है, हटा लें। तो ऑयल प्रेशर जेट चारों फिटिंग हो गए हैं, अब लगाना है क्रैंक। और फिर से रिपीट कर दूं, क्रैंक लगाने से पहले ये जो हमारे मेन के बेयरिंग लगे हुए हैं, हमेशा ध्यान रखें ये जो होल वाला पीस है ये ब्लैक की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो अब लगाते हैं क्रैंक। थ्रस वाइशर दोनों लग गए हैं, नीचे वाले और ऊपर वाले जो थ्रस वाइशर हैं वो हम कैप में लगा लेंगे पहले ऐसे। ठीक है, अब सारे कैप फिटिंग करना है। पांच ही कैप लग गए हमारे, और इनमें देख सकते हैं हम यहाँ पर नंबर डले हुए थे, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पांचवा हमारा थसवासर वाला केप है, यहाँ पे चार थसवासर भी आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है केप। अब इसको लोड लेना है, इस पर हम लोड लेंगे। क्रैंक फिटिंग हो चुकी है पूरी, अब इस पर हमको लोड लेना है, और इस पर हमारा जो लोड आएगा तकरीबन 140 न्यूटन मीटर के आसपास आएगा। ठीक है, तो 140 न्यूटन मीटर का हम लोड लेंगे पहले इस पर। तो ये हमारा टार्क है, 140 पे हम इसको सेट करेंगे। ठीक, और 140 का न्यूटन मीटर हम लोड लेंगे इस पर। क्रैंक पूरी फिट हो चुकी है, अब हमको रिंग चेक करना है बोर में। ठीक है, तो ये हमारी पिस्टन रिंग, सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें ऑयल रिंग। यहाँ दिखाओ, लाइट चालू करो, ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल रिंग का गैप बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे गैप होना चाहिए ऑयल रिंग में। ठीक है,
सही है हमारा मतलब बोर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरीके से हम तीनों रिंग चेक करेंगे और चारों बोर में चेक करेंगे। तो पहले ऑयल रिंग चेक कर लेंगे अच्छे से, ये भी ठीक है। अब तीन नंबर, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब चार नंबर, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब जो बाकी की दो रिंग है उनका बोर में बोर चेक करेंगे हम, उनको लगा के रिंग को। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी टॉप रिंग, ये भी सही है। रिंग में थोड़ी सी माइनर सी गैप होना चाहिए और रिंग का मुंह आपस में मिलना नहीं चाहिए। अगर मुंह मिलेगा तो हमारा बोर सीज हो जाएगा। ठीक है, ये रिंग भी सही है और ये हमारी सेकंड टॉप रिंग। ये भी बिल्कुल सही है। तो रिंगें तीनों चेक हो गई हैं और देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक भी हमने फेस करवा दिया है, क्योंकि गाड़ी ओवरहीट हुई थी। ये ओवरहीट होने से थोड़ा सा ब्लैक में भी एक जगह पे डाउन पोजीशन आ गई थी, तो हमने ब्लैक भी इसका फेस कराया है, हेड भी फेस कराया है, हेड में वॉल भी नए डाले हैं, जनरल काम इसका पूरा नया हो रहा है। ठीक है, तो अब पिस्टन हम फिटिंग करेंगे ब्लॉक में। ठीक, अब इस रिंग को पिस्टन में फिट करना है। पहले हमारा ऑयल रिंग को फिट करेंगे और उसके बाद लगाएंगे इसका कवर। उसके बाद लगाएंगे सेकंड टॉप रिंग और रिंग पे देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एन का मार्क है ये हमेशा ऊपर की ओर आएगा। ठीक, टॉप पे अब लगाएंगे फर्स्ट कंप्रेशर रिंग। यहाँ भी इसका जो मार्क है ये भी ऊपर की ओर जाएगा। ठीक, ये तीनों रिंग हमारी फिटिंग हो चुकी है। ठीक है, रिंग हमारी टोयोटा की है, पिस्टन टोयोटा के हैं, फिर हमारा टोयोटा का है। टोटल सामान हमने जेन्युइन टोयोटा का लिया है, क्योंकि इसमें दूसरी कोई ब्रांडेड कंपनी का सामान मिल नहीं पा रहा था, तो पर्टिकुलर हमने टोयोटा का ही सारा सामान मंगाया। ठीक है, एक पिस्टन हमारा फिट हो चुका है, रिंगें फिट हो चुकी है इसमें। इसी तरह से हम चारों पिस्टन की रिंगें फिटिंग करेंगे। अब फिटिंग करेंगे पिस्टन और उससे पहले हमें लगाना है बोर में, क्या लगाना है, ऑयल। अच्छे से इसको तर करेंगे, बिल्कुल बढ़िया ऑयल लगाना है अच्छे से चारों स्लू में। अब करना है पिस्टन फिटिंग और पिस्टन फिटिंग करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें, ये जो रिंग के कट हैं, जो मुंह है रिंग का, ये कभी भी हमको गजन पिन की साइड में नहीं रखना है। ठीक है, इसको हमेशा हम रखेंगे यहाँ पर और दूसरी रिंग का मुंह रखेंगे यहाँ पर और तीसरी का रखेंगे यहाँ पर। तीनों रिंगों का मुंह एक दूसरे के अपोजिट साइड में होना चाहिए और गजन पिन साइड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप फिटिंग करते हैं इसको। रिंगों में अच्छे से ऑयल करना है, क्रैंक में, करेक्टन में, गजन पिन में, सब जगह हमें अच्छे से ऑयल करना है, क्योंकि जब हमारा इंजन नया बनता है और स्टार्ट होता है उससे पहले ऑयल चढ़ने में थोड़ा समय लगता है। तो ऑयल पहले से हम इसमें डाल के रखेंगे ताकि हमारा इंजन या कुछ भी पार्ट बिना ऑयल के ना चले। ठीक,
तो हमने आयल अच्छे से रिंगों में कर दिया है। अब इसके जो रिंग के कट है ये सेट करेंगे। ये हो गया, एक कट नीचे की साइड आ गया, एक ऊपर, एक इधर, ठीक है। दो पिस्टन कंप्लीट, अब तीसरा पिस्टन फिट करेंगे। इंजन फिटिंग करते समय कुछ ख़ास बातें होती हैं ध्यान रखने वाली, जो हम बताते हैं, और उसमें सबसे ज़रूरी जो बात है वो है इंजन की साफ़ सफाई। और साफ़ सफाई जो है, यहाँ देख सकते हैं आप, पूरा एक पार्ट चेक करो आप, ये दिखा, पास से दिखा जरा, जितने भी पार्ट है ऐसे क्लीन होना चाहिए, क्योंकि इंजन की सर्विस साफ़ सफाई से ही बढ़ती है। अगर इसमें थोड़ा सा भी कार्बन, मिट्टी या कचरा, जो भी डस्ट वगैरह अंदर जाएगा, तो जहाँ भी जिस जगह पे भी जाके रुकेगा उस जगह को डैमेज करेगा, ख़राब करेगा। तो सफाई का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में ध्यान रखें, सफाई बहुत ज़रूरी है। अब फिटिंग करेंगे हम तीसरा पिस्टन। अब कनेक्टन पे लोड लेंगे हम, और कनेक्टन पे हमारा जो लोड आएगा वो आएगा 80 न्यूटन मीटर। तो इसको हम 80 पे सेट करेंगे, ठीक है, 80 न्यूटन मीटर। चलो, तो अब कनेक्टन को टाइट करना है, ठीक है। हाफ इंजन हमारा पूरा रेडी हो चुका है, क्रैंक भी हमारी फिट हो गई है, कनेक्टिंग पे भी चारों पे पिस्टन भी फिट हो चुके हैं, कनेक्टिंग पे लोड भी आ गया है। अब हमें इसका आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो इसका टाइमिंग होता है, गियर ड्राइव टाइमिंग, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हमको टाइमिंग कंप्लीट करना है, और टाइमिंग कंप्लीट करने से पहले हमको लगाना है ये क्रैंक का वेट बैलेंसर, ठीक है। इंजन हमारा थोड़ा थोड़ा इनोवा से मैच है, ये इनोवा जैसा इंजन है थोड़ा सा, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंट भी है। जैसे कि देख सकते हैं हम, ये जो बैलेंसर है ये इनोवा में नहीं आते हैं, सिर्फ फॉर्च्यूनर में ही दिए हैं। तो ये क्रैंक को बैलेंस करके रखता है, ताकि गाड़ी का इंजन वाइब्रेशन ना करे, ठीक है। तो इसको लगाएंगे हम पहले, और इसको लगाने का जो तरीका है वो ये है कि इस पर यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, दिखाओ, यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, दो नंबर, और टाइमिंग गियर जो हमारे हैं उस पर भी नंबर डले हुए हैं। तो ये दो नंबर का टाइमिंग गियर के दो नंबर से मैच करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं आर,
ये राइट साइड का है, तो इंजन का जो राइट साइड है वो ये है, तो ये हमारा आएगा इस साइड में। इसकी सीट पर अच्छे से ऑयल लगा लेंगे पहले। ये हमारा राइट साइड का फिट हो चुका है, अब हम फिट करेंगे लेफ्ट साइड का। और लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर ये तीन नंबर है, जो पंप के गियर पे भी हमारा तीन नंबर आएगा, और ये यहाँ पर लिखा है L, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लगाएंगे इसके दोनों के बोल्ट। हम इसकी टाइमिंग प्लेट, ये हमारा हाई प्रेशर पंप और ये हमारा ऑयल पंप। तो ऑयल पंप को लगाने से पहले थोड़ा सा इसमें ऑयलिंग जरूर कर लें, ठीक है, ताकि ये प्रेशर अच्छे से बना पाए। उसके बाद हम करेंगे पेस्टिंग, और पेस्टिंग जब भी करें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, पेस्टिंग करने के लिए हमें जो पेस्ट इस्तेमाल करना है वो या तो ब्लैक होना चाहिए, या ग्रे होना चाहिए, या फिर क्लियर होना चाहिए। रेड या वाइट लगाते हैं हम, और ज़्यादा लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा भार होता है, फिर उससे इंजन हमारा बहुत गंदा दिखता है। ब्लैक, ग्रे और वाइट क्लियर ये इस्तेमाल करें, इंजन इससे थोड़ा सा खूबसूरत दिखता है। और कंपनी से जो पेस्टिंग होती है वो ज़्यादातर ग्रे कलर की होती है, देख सकते हैं यहाँ पर ये इंजन फर्स्ट टाइम खुला है और यहाँ पर हल्के हल्के ये थोड़ा से ग्रे कलर का पेस्ट यहाँ पर लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसमें लगाएंगे ग्रे कलर का पेस्ट, और पेस्टिंग भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जितनी ज़रूरत है हम उतना ही पेस्ट लगाएंगे। जब आप पेस्ट लगाएंगे प्रेस होने के बाद बाहर हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो प्लेट पर पूरी पेस्टिंग हो चुकी है, देख सकते हैं हम यहाँ पर ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है पेस्टिंग। अब इसको हम फिट करेंगे ब्लॉक पे। प्लेट हमारी फिट हो चुकी है, और वो देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका मार्क है 2 से 2 और 3 से 3। ये हमारा बैलेंसर का टाइमिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ हमारा क्रैंक का टाइमिंग कंप्लीट होगा, और यहाँ पर पंप का। अब फिटिंग करना हमको क्रैंक का गियर, और यहाँ देख सकते हैं 1 1 और यहाँ पर 1, ये इसका मार्किंग है, इसको इससे मिलाएंगे। बोल्ट क्रैंक का गियर, ठीक। अब लगाएंगे इसका पंप।
तो ये हो गया हमारा टाइमिंग पूरा कंप्लीट। ये हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग हो गया 4 to 4, 3 to 3, 5 to 5, 1 to 1, 2 to, ठीक है। ये है पूरा हमारा गियर ड्राइव टाइमिंग, जैसे इनोवा में आता है वैसे ही हमारा फॉर्च्यूनर में भी ये टाइमिंग देख सकते हैं हम। यहाँ पर हमारा एक टाइमिंग पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसे हम गियर ड्राइव टाइमिंग बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा फिटिंग होने के बाद, हेड कंप्लीट होने के बाद, इसका एक टाइमिंग और मिलाएंगे जिसे हम बोलते हैं बेल्ट ड्राइव टाइमिंग, जो कि पंप से केम का टाइमिंग मिलाया जाता है, ठीक है। बस इसको उठा, ये हमारा पावर ब्रेक का वैक्यूम पंप, हम इसको फिटिंग करेंगे। चल नट लास्ट की पाना 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 सब। इंजन पूरा रेडी हो चुका है और हमारा जो गियर ड्राइव टाइमिंग था वो भी कंप्लीट है। अब हम मिलाएंगे इसका बेल्ट ड्राइव टाइमिंग, और बेल्ट ड्राइव टाइमिंग मिलाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मार्किंग है, ये वाला यहाँ से मिलाना है, ठीक है। ये मार्किंग इससे, और दूसरा जो मार्किंग है ये गियर पे छोटा सा कट है, इसको इस एरो से मिलाना है। ये हो गया हमारा बेल्ट ड्राइव टाइमिंग। ये हमारा टाइमिंग, दोनों टाइमिंग कंप्लीट हो चुके हैं और इंजन भी फुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं हमने सब चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं, इंजेक्टर वगैरह सब फिटिंग हो गए हैं। टाइमिंग कंप्लीट, इंजेक्टर कंप्लीट, अब इसकी जो जनरल फिटिंग बची है टर्बो वगैरह वो लगाने के बाद ये दिखाऊं। ये है इसका टर्बो, इसकी हमने क्लीनिंग कर ली है, टर्बो पूरा क्लीन हो चुका है, टर्बो भी फिटिंग करेंगे। पूरा इंजन कंप्लीट करके अब चढ़ा के स्टार्ट करके आगे का देखेंगे हम क्या रिपोर्ट आती है इंजेक्टर की। तो करते हैं फिटिंग इंजन को और देखते हैं फिर इसको आगे। फुल कंप्लीट हो चुकी है फॉर्च्यूनर और इंजन भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करके इसका साउंड सुनेंगे हम। तो दोस्तों गाड़ी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है फॉर्च्यूनर, इसका इंजन हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, गाड़ी को हमने स्टार्ट भी कर लिया है, इंजन को राउज भी कर लिया है। तो बात करने से पहले हम इंजन का एक बार साउंड सुनते हैं, गाड़ी स्टार्ट करो, एक्सेलेरेटर दो, बंद करके स्टार्ट करो, करो स्टार्ट, एक्सेलेरेटर दो, ठीक है बंद कर दो। तो ये है हमारा इंजन और साउंड आपने सुन लिया, साउंड बहुत अच्छा है क्योंकि काम हमने जनरली इसमें टोटल काम कर दिया और टोटल काम हमने ओरिजिनल ही किया है इसमें, ठीक है।
अब बात करते हैं कि इंजन में प्रॉब्लम क्या थी और किस वजह से ये ओवरहीट हुई और गाड़ी के इंजन में काम आया। ठीक है, तो आगे लाओ, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो बेल्ट का अडलर है, ये बेल्ट का अडलर हमने नया डाला है। ठीक है, ये हम वीडियो में पहले मेंशन नहीं कर पाए थे, ये आपको इसलिए हम बाद में बता रहे हैं। चलती गाड़ी में ये अडलर जो है बेल्ट का, इसका बोल्ट टूट के गिर गया था। ठीक है, तो बोल्ट टूट के गिरने से इसका बेल्ट हो गया लूज़, जिस वजह से वाटर पंप के और फैन के RPM डाउन हो गए। बेल्ट लूज होने से वो वाटर पंप भी सही से काम नहीं कर पाया और फैन भी हमारा सही काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से गाड़ी हमारी ओवरहीट हो गई और गाड़ी का इंजन सीज हो गया। ठीक है, तो ये वजह थी इंजन फेल होने की। चलती गाड़ी में इंजन हमारा फेल हुआ, कस्टमर की थोड़ी सी गलती ये हुई, उसने टेम्परेचर पर ध्यान नहीं दिया। अगर टेम्परेचर पर ध्यान देते तो फक्ता ये इंजन शायद बच जाता। ठीक, अब दूसरी बात, जब इंजन हमने पूरा कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद जब स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करी तो गाड़ी में स्टार्टिंग ट्रबल बहुत ज़्यादा था। ठीक, बहुत लेट स्टार्ट हो रही थी और गाड़ी बहुत ज़्यादा नॉकिंग कर रही थी, वो हम वीडियो में मेंशन नहीं कर पाए, तो वो भी आपको बता देते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम थी। ओवरहीट होने से इसके दो इंजेक्टर बैक लीक बहुत ज़्यादा करने लग गए थे, तो मैंने दो इंजेक्टर भी रिपेयर किए हैं इसके, इंजेक्टर चारों रिपेयर किए हैं, दो सर्विस हुए हैं, दो में कंट्रोल वाल्व चेंज किए हैं, बैक लीकेज फुल जा रहा था इसका। ठीक है, दो इंजेक्टर रिपेयर किए, रिपेयर करने के बाद जब गाड़ी में लगाए तो गाड़ी का स्टार्टिंग तो सुधर गया, लेकिन गाड़ी में कोड कंटिन्यू आ रहा था P092। ठीक है, तो वो जो कोड आ रहा था, उस कोड की वजह से हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा नॉकिंग कर रही थी। तो उसके लिए हमने ये रेल प्रेशर सेंसर, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये फॉर्चुनर में जो रेल प्रेशर सेंसर आता है, इस टाइप का आता है, 6 पिन का आता है, इसमें 2 मेन, 2 अर्थिन और 2 सिंगल वायर होते हैं। ठीक है, तो ये हमने अर्जेंट मंगवाया, मंगवा के डाला, तो गाड़ी का हमारा साउंड भी ठीक हो गया, नॉकिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई और गाड़ी का साउंड बिल्कुल बढ़िया हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और जगह आपको थोड़ी डिफरेंट लग रही है तो मैं आपको बता दूँ, ये हमने पूरा वर्कशॉप नया लिया है, दूसरा देख सकते हैं पूरा, वहाँ से ये पूरा हमारा ये एंट्री गेट है इसका शॉप, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूरी जगह हमने अभी नई ली है और यहाँ पे अभी हमारा सेटअप चल रहा है। आधी गाड़ी हमारी वाले गैरेज पे खड़ी है और आधी गाड़ी हम यहाँ पर ले आए हैं। तो अभी फ़िलहाल में आज की तारीख में हमारे 3 वर्कशॉप हो गए हैं, तो हमने अभी इसको यहाँ पर सेटअप चालू कर दिया है, जो हमारा अंदर वाला वर्कशॉप था उसको हम छोड़ के यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इंजन का साउंड भी बिल्कुल बढ़िया हो गया है, अब गाड़ी की हमको ट्रायल लेना है। गाड़ी की ट्रायल कम से कम हम 50 से 60 किलोमीटर की ट्रायल लेंगे, उसके बाद ही हम कस्टमर को गाड़ी हैंडओवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि गाड़ी जब खड़ी स्टार्ट रहती है तो इसका RPM इंजन का कम होता है, टेम्परेचर भी डाउन रहता है, ये जब गाड़ी चलती है तो कम से कम 2,500-3,000 RPM पे इंजन स्टार्ट रहता है हमारा, तो गाड़ी में लोड भी रहता है तो गाड़ी का टेम्परेचर सही मालूम पड़ता है। तो गाड़ी हम पहले चलाएंगे 50-60 किलोमीटर के ट्रायल लेंगे, उसके बाद गाड़ी को चेक करेंगे, कहीं से पानी लीक है या गर्म हो रही है या कुछ भी प्रॉब्लम अगर इसमें है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही कस्टमर को हैंडओवर करेंगे। ठीक है, अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम कस्टमर को गाड़ी का हैंडओवर कर सकते हैं। वैसे हमारा कॉन्फिडेंस ये कहता है कि हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हम सेटिस्फाई जब तक नहीं होते कस्टमर को गाड़ी हैंडओवर नहीं करते हैं। ठीक, तो ये तो हमारा आज का फॉर्चुनर का इंजन जिसको हमने बनाया, और इसको कैसे खोलते हैं, कैसे बनाते हैं, ये हमने आपको पूरा वीडियो में दिखाया, और क्या क्या इसमें हमने पार्ट डाले, टोटल पार्ट हमने इसमें टोयोटा के इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि दूसरी कंपनी में जैसे अपन अगर उषा में या गोएट्स में लेने जा रहे थे तो उस कंपनी का सामान मिल नहीं पा रहा था। ठीक है, तो टोयोटा में जेन्युइन हमने कंपनी से ऑर्डर करके सामान मंगवाया, तो थोड़ा सा लेट हम इसलिए हो गए इसके इंजन में क्योंकि सामान ऑर्डर पे बाहर से आया इसका। ठीक, तो ये था आज का टॉपिक, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।